आइए अब एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य निकालना है। SO2 की सांद्रता इस टेबल के पहले कॉलम में दी हुई है, जो कि एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में, जिसका क्लास साइज H=0.04 - 0.00 = 0.04 है। और इसी टेबल के दूसरे कॉलम में बारंबारता दी हुई है, मोहल्लों की बारंबारता दी, जो कि FI है। इस क्वेश्चन में टोटल मोहल्लों की संख्या दी हुई है 30, जो कि समेशन ऑफ FI है। हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्ट मेथड से करेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें XI निकालना होगा। XI निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, XI = अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय, इसी फॉर्मूले बेस्ड होकर हम सारे XI निकालेंगे। तो X1 मीन्स पहले इंटरवल का क्लास मार्क। पहला इंटरवल है 0 to 0.04, 0.00 + 0.04/2 = 0.04/2 = 0.02। इसी तरह हम X2 निकाल सकते हैं। X2 मीन्स दूसरे इंटरवल का क्लास मार्क, 0.04 + 0.08 / 2 = 0.12 / 2 = 0.06। अब इसी तरह हम X3 भी निकाल सकते हैं। X3 होगा 0.10। इसी तरह X4 0.14, X5 0.18 और X6 0.12। अब हम इसका माध्य निकालने के लिए XI के साथ FI के संगत बारंबारता वाले टर्म का गुणनफल चाहिए, यानी कि हमें XI और FI का प्रोडक्ट चाहिए। पहले इस प्रोडक्ट को निकालेंगे, फिर उन्हें एक टेबल में पुट करेंगे। आइए पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं। आइए सबसे पहले इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल में चार कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 यानी SO2 की आर्द्रता दी हुई है। सेकेंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी बारंबारता, जिसे हम FI भी कह सकते हैं। थर्ड कॉलम में क्लास मार्क निकाला है हमने XI, जो हर इंटरवल का अलग अलग क्लास मार्क है। पहले इंटरवल का क्लास मार्क 0.02, इसी तरह सिमिलरली हर एक रो के सामने उसका क्लास इंटरवल लिखा हुआ है। और लास्ट इंटरवल है FI के साथ XI का मल्टीप्लीकेशन। हम देख सकते हैं 4 × 0.02 = 0.08, इसी तरह 9 × 0.06 = 0.54, इसी तरह 9 × 0.10 = 0.90, 2 × 0.14 = 0.28, इसी तरह हम बाकी के टर्म भी निकाल सकते हैं FI XI के। नीचे 30 ये फ्रीक्वेंसी की टोटल सम है, यानी FI के हर टर्म का सम 30 है। 4 + 9 + 9 + 2 + 4 + 2 = 30, यानी ये इस 30 को हम समेशन ऑफ FI भी कह सकते हैं। इसी तरह 2.97 FI XI के हर टर्म का सम है, यानी 0.08 + 0.54 + 0.90 + 0.28 + 0.72 + 0.44 = 2.97, और इसे हम समेशन ऑफ FI XI भी कह सकते हैं। अब हम जानते हैं माध्य डायरेक्ट मेथड से, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। Ẋ = समेशन ऑफ XI FI / summation of FI = 2.97 / 30 = 297/3000 = 0.099। अतः रिक्वायर्ड मीन है 0.099, सो रिक्वायर्ड मीन इज 0.099।